हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की हमारी फोर्थ वीडियो है। अगर आपने हमारी तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं लार्ज कैप कंपनीज़ के बारे में, जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज़ भी कहते हैं। तो इंडिया में जिन भी कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में जिन भी कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है, उन्हें मिड कैप कंपनीज़ कहते हैं। और दोस्तों, जिन भी कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, स्मॉल कैप कंपनीज़ कहते हैं। तो अब हम जानते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि कंपनी जो भी अपने प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन्हें डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड हमें ये बताती है कि कंपनी शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड दे रही है, उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, यानी कि कितना डिविडेंड दिया है एक शेयर पर, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, रिवेन्यू वो होता है जो कि कंपनी अपने बिजनेस से मनी अर्न करती है कैश, और जब उस अमाउंट में से सभी टैक्सेस और एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है तो जो अमाउंट बचता है उसे नेट प्रॉफिट या पैट भी कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोस्तों, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं। एक होता है एबिटा मार्जिन। दोस्तों, एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि कंपनी का जो भी रिवेन्यू हुआ है उसमें से जो एक्सपेंसेस होते हैं रॉ मटेरियल का, रेंट का, सैलरी, इन सब को माइनस करने के बाद जो बचता है उसे एबिटा कहते हैं। और दोस्तों, एबिटा मार्जिन निकालने के लिए हमें दो डेटा चाहिए होते हैं, एक होता है एबिटा और दूसरा होता है नेट सेल्स। दोस्तों, एबिटा मार्जिन का फॉर्मूला होता है एबिटा डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। एबिटा मार्जिन देख के हम जान सकते हैं कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को कितने अच्छे से यूज़ कर पा रही है और कम से कम एक्सपेंस करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये हमें एबिटा मार्जिन से पता चलता है। दोस्तों, एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है पैट मार्जिन। दोस्तों, पैट मार्जिन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। दोस्तों, ये हमें ये बताता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पा रही है। हम जानते हैं कि नेटवर्थ क्या होती है। दोस्तों, नेटवर्थ वो होती है जो कि हमें बताती है कि कंपनी अगर अपने सभी एसेट्स को बेच देगी और सभी लायबिलिटीज़ को पे कर देगी तो कंपनी के पास कितना अमाउंट बचेगा, उसे नेटवर्थ कहते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट को देख के आप बहुत ही आसानी से कंपनी की नेटवर्थ पता कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको शेयर होल्डर फंड्स, जो कि शेयर कैपिटल होता है, और उसमें रिजर्व्स को ऐड कर देना है तो आपको नेटवर्थ मिल जाती है कंपनी की। और बैलेंस शीट को एनालाइज करते वक्त आपको ये देखना चाहिए कि जो कंपनी के टोटल डेट है वो नेटवर्थ से कम होना चाहिए, तभी एक परफेक्ट बैलेंस शीट बनती है। दोस्तों, अगर आपने हमारी बैलेंस शीट वाले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, डिटेल में बैलेंस शीट को समझा है। अब हम जानते हैं डेट टू इक्विटी रेशो के बारे में। दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स फंड्स के कंपैरिजन में कितना डेट ले रखा है। दोस्तों, डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, और डेट टू इक्विटी रेशो 1.5 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। जल्द ही हम एक फाइनेंशियल रेशोज़ पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम सभी रेशोज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ETFs के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता है जो कि किसी बेंचमार्क इंडेक्स जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबको ट्रैक करके इन्वेस्टर्स को एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है कि वो पूरी बास्केट बाय कर सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की। दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं और आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल करके भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम से ही पता चलता है एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड्स। दोस्तों, ETFs पर हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें हमने अलग अलग टाइप्स के ETF को डिस्कस किया है।
तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नया जानने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।